हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टॉप नॉच ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। माई सेल्फ हंसराज कुमावत। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ NCL एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट GK और करंट अफेयर के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम टोटल 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट GK और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चैनल की लिंक यहाँ दी गई है फ्रेंड्स। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये नंबर, आप व्हाट्सएप पे किसी भी एक नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ NCL यानी नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड, यानी जो NCL का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे। फ्रेंड्स, जो NCL का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर NCL का क्या है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंगरौली कोल फील्ड स्प्रेड ओवर, यानी जो सिंगरौली कोल फील्ड है वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसके अंदर जो क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर सिंगरौली कोल फील्ड स्प्रेड ओवर 2202 स्क्वायर किलोमीटर कंप्रोमाइज ऑफ द टू बेसिन्स, वाई इज ए मोहेर सब बेसिन 312 स्क्वायर किलोमीटर एंड सिंगरौली मेन बेसिन्स 1890 स्क्वायर किलोमीटर। यानी इसके अंदर जो टोटल जो फैला हुआ कितना है, 2202 स्क्वायर किलोमीटर, जिसके अंदर 312 स्क्वायर किलोमीटर तो क्या है, मोहेर सब बेसिन्स, और जो 1890 स्क्वायर किलोमीटर है वो क्या है, सिंगरौली मेन बेसिन्स। तो इस प्रकार टोटल ये जो है, इस सिंगरौली कोल फील्ड जो है वो कितने एरिया में, 2202 के अंदर फैला हुआ है। ये यहाँ पे फ्रेंड्स फील्ड है, ठीक है, FIELD फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, NCL हैज़ टोटल कोल रिजर्व ऑफ, यानी जो NCL जो है टोटल कोल कितना रिजर्व है इसके अंदर, तो कितना है फ्रेंड्स, NCL हैज़ टोटल कोल रिजर्व ऑफ 10.06 BT, यानी जो टोटल जो NCL का कोल रिजर्व कितना है, 10.06 BT, सिक्स जिसमें से 6.83 जो BT है वो कहाँ पे है, मोहेर सब बेसिन का है, और 3.23 जो है वो मेन बेसिन का है। आउट ऑफ दिस रिजर्व द इंडस्ट्री हैज़ द एक्सट्रैक्टेड 1.7 BT ऑफ कोल फ्रॉम मोहेर सब बेसिन टिल मार्च 2019 तक का ये डेटा है, जिसके अंदर NCL ने टोटल जो कोल रिजर्व कितना, 10.06 BT, जिसके अंदर 6.83 मोहेर बेसिन का और 3.23 मेन बेसिन का इसके अंदर कोल रिजर्व है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, NCL देर आर हाउ मैनी नंबर ऑफ ओपन कास्ट माइन्स, यानी जो NCL के अंदर ओपन कास्ट माइन कितनी, ओपन कास्ट माइन है तो कितनी है फ्रेंड्स, 10। इन NCL देर आर 10 नंबर्स ऑफ ओपन कास्ट माइन वेयर देर एग्जिस्ट 3 टाइप ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर 3 टाइप ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर टोटल कितनी ओपन कास्ट माइन्स है फ्रेंड्स, 10 नंबर, यानी 10 इसके अंदर ओपन कास्ट माइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द NCL टारगेट कोल प्रोडक्शन इन 2019 एंड 2020 इज, यानी जो NCL जो टारगेट कोल प्रोडक्शन वो कितना है 2019 और 20 के अनुसार, कितना है 106.25 MT, MT का मतलब है फ्रेंड्स मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑनलाइन पोर्टल स्टार रेटिंग ऑफ कोल माइंस लॉन्च ऑन, यानी जो ऑनलाइन पोर्टल था स्टार रेटिंग फॉर कोल माइंस वो कब लॉन्च हुआ था, कब हुआ था फ्रेंड्स, 10 फरवरी 2020 को जो है स्टार रेटिंग ऑफ कोल माइंस लॉन्च हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो NCL से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, NCL के एग्जाम में NCL के जो रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसके अंदर NCL के क्वेश्चंस भी लिए, इसके साथ ही जो अभी जो करंट अफेयर्स है उनके क्वेश्चंस भी, और इसके साथ ही जो GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी इसके अंदर हमने लिए हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स, एंड कौन है मिनिस्टर कोल माइंस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स का, इस समय जो है कौन है फ्रेंड्स, श्री प्रहलाद जोशी। कौन है, श्री प्रहलाद जोशी है इस समय क्या है, कोल माइंस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं।
Next question, question number 8. The Ministry of Coal and Indian Government Ministry headquartered in, जो इस जो Coal and Indian Government Ministry जो है उसका headquarter कहाँ है, Coal of Ministry का, तो कहाँ पे friends, New Delhi के अंदर है. Next question, question number 9. Who was the first actor get Oscar award, यानी कौन एक्टर है, first actor कौन है जिसने Oscar award प्राप्त किया है, तो option A इसके अंदर Montgomery, option B Fairbanks, option C Janet Jenner, ऑप्शन डी चार्ली चैम्पलिन. तो किसने जो फ्रेंड्स कौन सा एक्टर है जिसने फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किया है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जेनेट जीनर ने जो है फर्स्ट एक्टर का जो फर्स्ट एक्टर है जिसने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. विच कंट्री अवार्डेड द नोबल प्राइज, यानी कौन सी कंट्री के द्वारा नोबल प्राइज दिया जाता है, तो कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है इसके अंदर आयरलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी अमेरिका. तो कौन सी कंट्री के द्वारा नोबल प्राइज दिया जाता है, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्वीडन, एंड स्वीडन कंट्री के द्वारा नोबल प्राइज दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following is the India's highest honor in the field of literature? Literature के फील्ड के अंदर इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं इनमें से कौन से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है व्यास सम्मान, ऑप्शन बी कालिदास सम्मान, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ, ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान. तो कौन सा है फ्रेंड्स बताइए, द करेक्ट आंसर इज ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. नो टोबेको डे सेलिब्रेटेड ऑन, जो नो टोबेको डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन ए है 30 जून, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 31 सितंबर. तो क्या है करेक्ट आंसर, नो टोबेको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स, तो कब किया जाता है, ऑप्शन बी 31 मई, 31 मई को नो टोबेको डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबेको डे और एंटी टोबेको डे 2019, यानी 2019 की जो नो टोबेको डे की थीम क्या थी फ्रेंड्स, तो क्या थी, टोबेको एंड लंग हेल्थ, क्या थी, टोबेको एंड लंग हेल्थ जो है एंटी टोबेको डे या फिर नो टोबेको डे की थीम थी 2019 की. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए है इसके अंदर 7 जून, ऑप्शन बी 7 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई एंड ऑप्शन डी 28 जुलाई. तो कब सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11 जुलाई, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, 11 जुलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था, यानी जो पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच है वो कब खेला गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1976 एंड ऑप्शन डी 1971. तो कब खेला गया था पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच, 1971, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, 1971 के अंदर जो पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच है वो खेला गया था, पहला जो एक दिवसीय जो मैच है फ्रेंड्स 1971 को जो खेला गया था वो कहाँ पे खेला गया था, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 5 जनवरी 1971 को, और किन किन के बीच में होता है ये मैच, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये क्रिकेट मैच खेला गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. मध्य प्रदेश की राज्य पक्षी का नाम क्या है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे एनसीएल के एग्जाम के अंदर, इसलिए हमने इसके अंदर जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसके क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए हैं, और यदि आप और भी आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इसके लिए आपके लिए और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तैयार करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया था कि मध्य प्रदेश की राज्य पक्षी का नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी मोरेन, ऑप्शन सी पैराडाइज फ्लाई कैचर एंड ऑप्शन डी तोता. तो क्या है फ्रेंड्स इसका, ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, यानी जो मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है उसका नाम क्या है, पैराडाइज फ्लाई कैचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी, एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स इसके अंदर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ऑप्शन बी न्यू ग्रीन ट्राइब्यूनल, ऑप्शन सी नेशनल जनरल ट्राइब्यूनल एंड ऑप्शन डी नेशनल ग्रीन ट्राइब. तो क्या है फ्रेंड्स फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी, तो एनजीटी की जो फुल फॉर्म है क्या है, ऑप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी, जो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया की जो बुक है फ्रेंड्स वो किसने लिखी है। ऑप्शन ए है एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी जे आर टाटा, ऑप्शन सी जी डी बिरला, ऑप्शन डी रमेश। तो किसने लिखी है फ्रेंड्स प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक का नाम है फ्रेंड्स प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक जो है किसने लिखी है। तो जो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, एम विश्वेश्वरैया ने जो है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक लिखी, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी सिंधु। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो करेक्ट आंसर वो क्या है, ऑप्शन बी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, यानी मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है बरगद, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी नीम एंड ऑप्शन डी मैंगो। तो कौन सा है इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बरगद, जो बरगद है वो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं सिवाय एक को छोड़कर, यानी कौन कौन से जो देश है 15 अगस्त को मनाते हैं लेकिन एक जो देश है 15 अगस्त को अपना दिवस नहीं मनाते हैं। जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी कांगो एंड ऑप्शन डी म्यांमार। तो इनमें से कौन सा देश है जो 15 अगस्त को अपना जो है स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। क्वेश्चन से एक बार फिर से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं सिवाय एक को छोड़कर, यानी इनमें से एक देश है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है, बाकी जो तीन देश है अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी कांगो एंड ऑप्शन डी म्यांमार। तो क्या है इसका राइट आंसर, तो जो करेक्ट आंसर है क्या है, म्यांमार। जो म्यांमार है वो अपना जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को नहीं मनाता है, भारत भी अपना 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, बहरीन कांगो ये तीनों जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन जो म्यांमार है वो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल थॉमस कप से संबंधित है, यानी इनमें से कौन सा खेल है जो थॉमस कप से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी बास्केटबॉल एंड ऑप्शन डी फुटबॉल। तो कौन सा खेल है फ्रेंड्स जो थॉमस कप से संबंधित है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बैडमिंटन, जो बैडमिंटन है वो थॉमस कप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, जो संतोष ट्रॉफी है इनमें से कौन से खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी बास्केटबॉल एंड ऑप्शन डी फुटबॉल। तो फ्रेंड्स जो संतोष ट्रॉफी है कौन से खेल से संबंधित है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, यानी जो फुटबॉल से संबंधित है। जो संतोष ट्रॉफी है किससे संबंधित है, फुटबॉल से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। फ्रेंड्स सौरमंडल से भी जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो सौरमंडल का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो कौन सा ग्रह फ्रेंड्स सबसे छोटा ग्रह है, तो जो करेक्ट आंसर है क्या है, ऑप्शन बी बुध। तो जो बुध है, बुध ग्रह है, वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है यूरेनस, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि एंड ऑप्शन डी बृहस्पति। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बृहस्पति, जो बृहस्पति है, बृहस्पति जो ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है, यानी इनमें से कौन सी ट्रेन है जो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है। ऑप्शन ए है गुवाहाटी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी हिमगिरी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी नवयुग एक्सप्रेस एंड ऑप्शन डी विवेक एक्सप्रेस। तो कौन सी ट्रेन है फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी विवेक एक्सप्रेस। तो विवेक एक्सप्रेस है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है, कौन सी, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है 20 फरवरी, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 2 फरवरी, ऑप्शन डी 24 फरवरी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एनसीएल की एग्जाम में आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एनसीएल का एग्ज़ाम देने से पहले भी इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो नर्सिंग की जो कॉम्पिटेटिव की जो एग्ज़ाम होते हैं जिसके अंदर जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस दृष्टि से भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को एंड तक बने रहिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें जीके से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 24 फरवरी, यानी 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, 24 फरवरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कोड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, यानी वाहनों के लिए जो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी हरियाणा। तो कौन सा जो है राज्य वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है, कौन सा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए बताया इसमें मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी हरियाणा। तो कौन सा राज्य है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स यदि आपको इसका आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे आपके जो है जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, आप इसका आंसर ज़रूर दीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है वो क्या है, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस रेलवे स्टेशन पर एक स्क्वाट मशीन को लगाया गया है। ऑप्शन ए आनंद विहार, ऑप्शन बी पठानकोट एंड ऑप्शन सी जम्मू एंड ऑप्शन डी जयपुर। तो कौन से रेलवे स्टेशन पर जो फ्रेंड्स एक स्क्वाट मशीन को लगाया गया है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आनंद विहार, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक स्क्वाड मशीन को लगाया गया है, यानी इस मशीन के सामने यदि आप उठक बैठक करते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म का टिकट फ्री में जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सुपर 30, ऑप्शन बी बाहुबली, ऑप्शन सी एयरलिफ्ट एंड ऑप्शन डी मिशन मंगल। तो क्या होगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सुपर 30। सुपर 30 जो फिल्म है उसने दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। फ्रेंड्स आपको वीडियो के एंड में हमें ये बताना है कि आपकी वीडियो 50 जो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले उस 50 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, आपको वीडियो के एंड में जब आप वीडियो पूरा हो जाएगा उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके 50 क्वेश्चंस के अंदर कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सबसे ज़्यादा फिल्मों को एडिट करके किसने अपना नाम लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया है। ऑप्शन ए रजनीश गोयल, ऑप्शन बी अमित बंसल एंड ऑप्शन सी श्रीकर प्रसाद। तो क्या होगा फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा फिल्मों को एडिट करके अपना नाम लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रजनीश गोयल, यानी जो रजनीश गोयल है उन्होंने अपना नाम लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया है, जो उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्मों को एडिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया।
यानी भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 27 फरवरी, ऑप्शन बी 23 फरवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी एंड ऑप्शन डी 9 फरवरी। तो कब मनाया गया फ्रेंड्स पहला जो प्रोटीन दिवस है वो कब मनाया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 27 फरवरी, यानी 27 फरवरी को भारत का पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामदेव, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी सोनिया गांधी एंड ऑप्शन डी सुद्रू। तो कौन है इसका फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सुद्रू। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी एम वेंकैया पुस्तक जो डेथ ऑफ एंड इनसाइड स्टोरी है उसका जो विमोचन किया उसके लेखक जो है, लेखक का पूछा है, क्या पूछा है? तो लेखक कौन है? सुद्रू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? जो अभिषेक सिंह है किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? ऑप्शन ए है चीन में, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी वेनेजुएला एंड ऑप्शन डी रूस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? एंड जो अभिषेक सिंह को कौन से देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है? किसके अंदर? वेनेजुएला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, वेनेजुएला। वेनेजुएला के अंदर जो है अभिषेक सिंह को क्या कर दिया है? भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी भाषा में आस्क दिशा चैटबॉक्स किसने शुरू किया है? यानी हिंदी भाषा में जो आस्क दिशा चैटबॉक्स किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए है IRCTC, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी व्हाट्सएप एंड ऑप्शन डी गोयर। तो क्या होगा फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज IRCTC। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी IRCTC ने हिंदी भाषा में आस्क दिशा चैटबॉक्स को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में कैथरीन जॉनसन का निधन हुआ है वो कौन थी? यानी जो कैथरीन जॉनसन का भी हाल ही में निधन हुआ था वो कौन थी? ऑप्शन ए है नासा की अध्यक्ष, ऑप्शन बी नासा की गणितज्ञ, ऑप्शन सी अमेरिका की राष्ट्रपति एंड ऑप्शन डी रूस की राष्ट्रपति। तो कौन थी फ्रेंड्स कैथरीन जॉनसन जिसका हाल ही में निधन हुआ? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नासा की गणितज्ञ थी। कौन थी? नासा की गणितज्ञ थी जो कैथरीन जॉनसन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थी? नासा की गणितज्ञ थी। और जो फ्रेंड्स जो नासा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है फ्रेंड्स नासा की फुल फॉर्म? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 29 जुलाई 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत और किस देश के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष शुरू हुआ है? यानी भारत और दूसरा देश कौन सा है जिनके बीच में संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष, यानी जो संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष है किन किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है, जिसमें से एक तो भारत है और दूसरा कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी जापान। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो जो राइट आंसर है इसका क्या है? ब्रिटेन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ब्रिटेन में, ब्रिटेन और भारत दोनों के बीच में संयुक्त वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष क्या हुआ? शुरू हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पीवी सिंधु को किस राज्य ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एंड जो पीवी सिंधु है उसको किस राज्य ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो कौन से राज्य ने बनाया फ्रेंड्स इसको ब्रांड एम्बेसडर एंटी करप्शन हेल्पलाइन का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल CAB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए अभिषेक डालमिया, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी सौरव गांगुली एंड ऑप्शन डी मदन लाल। तो जो क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल जिसको CAB के नाम से भी जाना जाता है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CAB क्वेश्चंस में फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल CAB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अभिषेक जो डालमिया है वो क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल CAB के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, अभिषेक डालमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम क्या दिया गया है?
कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम क्या दिया गया? ऑप्शन ए कोविड-19, ऑप्शन बी HIV-19, ऑप्शन सी कोरोना-19, ऑप्शन डी एलिसा-19। तो क्या नाम दिया फ्रेंड्स? कोरोना वायरस से जो होने वाली आधिकारिक जो बीमारी है उसको आधिकारिक नाम क्या दिया गया है? तो जो राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन ए कोविड-19। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कोविड-19। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बहुत ही प्रचलित है, कोरोना वायरस से सब डरे हुए भी हैं, तो इसका जो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर कोविड-19, कोरोना वायरस से जो उसका आधिकारिक नाम दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। NSIL का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? जो NSIL उसके नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए जी नारायणन, ऑप्शन बी रजत शर्मा, ऑप्शन सी किशन ठाकुर एंड ऑप्शन डी अमित पांडे। तो जो NSIL है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जी नारायणन। जो जी नारायण है वो NSIL के नए अध्यक्ष बने, और NSIL के जो फुल फॉर्म है वो क्या फ्रेंड्स? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्या है फुल फॉर्म? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ फ्रेंड्स? जो कब एस्टैब्लिश हुआ? 6 मार्च 2019 को। जो NSIL है वो 6 मार्च 2019 को एस्टैब्लिश हुआ है। उसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो क्या है? सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और कब एस्टैब्लिश हुआ? 6 मार्च 2019। और उनके अध्यक्ष की बात करें तो उनका अध्यक्ष कौन बना है? जी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 2019 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चीन। तो कौन सा देश फ्रेंड्स 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत। जो भारत है वो 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है? यानी कौन सी राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो किस राज्य ने फ्रेंड्स ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी हिंदी एंड ऑप्शन डी उर्दू। तो कौन सी भाषा फ्रेंड्स तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो करेक्ट आंसर इज हिंदी। ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर, हिंदी जो है विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और पहली जो कौन सी भाषा है सबसे अधिक बोली जाने वाली, पहली भाषा की बात करें तो पहली कौन सी होगी? अंग्रेजी। पहली कौन सी? अंग्रेजी। और तीसरी की बात करें तो तीसरी कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। किस राज्य सरकार ने प्यार का पौधा शुरू किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। तो किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स प्यार का पौधा शुरू किया है? द करेक्ट आंसर इज बिहार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, बिहार सरकार ने प्यार का पौधा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। IDSA का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? जो IDSA है उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए है मनोहर परिकर, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी अरुण जेटली एंड ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्या होगा फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए मनोहर परिकर। यानी IDSA का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? ऑप्शन ए मनोहर परिकर के नाम पर IDSA का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो उसका जो नाम है अभी
नाम बदलने के बाद इसका जो नाम है वो क्या है फ्रेंड्स, द मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट ऑफ द डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस यानी MPIDSA। पहले इसका क्या नाम था, IDSA था, अब क्या नाम हो गया, MPIDSA। और MP की जो क्या है, MPIDSA की फुल फॉर्म क्या है, मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस MPIDSA। अभी ये नाम है, पहले इसको सिर्फ किसके नाम से बुलाते थे, IDSA। तो IDSA फॉर्मली जैसे कि लिखा हुआ है, फॉर्मल नॉन एज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA। और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी भोपाल। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नर्सिंग के हर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट करके बताइए इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी अहमदाबाद, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अहमदाबाद। वी वर्क के नए CEO कौन बने हैं, ऑप्शन ए संदीप मथारानी, ऑप्शन सी सुंदूर पिचाई, ऑप्शन सी अनिल बंसल एंड ऑप्शन डी विवेक बिंद्रा। तो कौन फ्रेंड्स वी वर्क के नए CEO बने हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए संदीप मथारानी। जो संदीप मथारानी है वो वीवर्क के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, गो एयर के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं, ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी विनय दुबे, ऑप्शन सी रजनीश कुमार एंड ऑप्शन डी किशोर कुमार। तो फ्रेंड्स गो एयर के कौन नए CEO बने हैं, ऑप्शन बी विनय दुबे। जो विनय दुबे हैं वो गो एयर के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस, किस देश ने हवाई अड्डों पर ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, किस देश ने हवाई अड्डों पर ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया फ्रेंड्स, कौन सा देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस एंड ऑप्शन डी चीन। तो किस देश ने फ्रेंड्स हवाई अड्डों पे ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए भारत। जो भारत है उस भारत ने फ्रेंड्स हवाई अड्डों पर ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस NCL एग्ज़ाम के लिए और जो आने वाली जो नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए GK और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नर्सिंग से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आपको मिल सके। और फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही GK मैथ्स रीजनिंग और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है कि हमने जो आज 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए उन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद। और यदि आपको इसको PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप दिख रहा होगा आपको, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके इसका यदि आपको PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।